हाइड्रोलिक पावर बैंक विथ टू नंबर्स ऑफ होज, मतलब एक साथ हम दो इक्विपमेंट इस्तेमाल कर सके। पंप आया है उसका इंजन ऑयल चेक करने के लिए, यहाँ से है इंजन ऑयल आपको चेक करना है तो यहाँ से आपको दिखेगा, ठीक है। ये तो हर बार करने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा प्रेशर दे के बंद करना पड़ता है। चालू करने से पहले ही हमेशा ऑयल चेक करना है, चालू करने के बाद करोगे तो लेवल ठीक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ठीक रजानी? हाँ, गर्म हो जाता है। ये देखो, ये आ रहा है, दिख रहा है ऑयल है इसके अंदर, ठीक है। अगर हाथ से देख सकते हो, अभी तो मोजे पहने हैं, अब इस दो तीन आके तक होना चाहिए। बाकी ये जो है, ये आप देख सकते हैं, ये हाइड्रोलिक ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल के लिए ये वाइट कलर का जो स्ट्रिप है उसको आपको देखना है। ये मिनिमम और मैक्सिमम का नाप दिया हुआ है, वाइट कलर का ये स्ट्रिप है, ये आपको देखना है। ये देखो, दिख रहा है ऊपर नीचे होते हुए। बाकी इसको ड्राई रन नहीं करना है कभी भी, हमेशा लगा के फिर ही चेक करना है। ड्राई रन करने से इसमें इश्यू आता है, ड्राई रन मतलब सिर्फ पंप चलाना, ऐसे नहीं करना। उसके अलावा ये जो है, ये है चौक, ये इसका चौक है। जब स्टार्ट करना है तब पेट्रोल आपको ज़्यादा चाहिए, तब आप ये चौक को इस तरफ करके रखेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग के टाइम पेट्रोल ज़्यादा चाहिए तो जैसे ही हम कैसे बाइक में होता है, जैसे ही गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली तो हम चौक को वापस अपनी जगह पर लेके आएंगे। ये जो है इसके नीचे यहाँ पे, ये पेट्रोल का वाल है, ये ब्लैक कलर का, ठीक है। ये अगर बंद होगा इस तरफ से ऐसे, तो ये पेट्रोल इसमें आएगा ही नहीं, तो फिर बाद में पहले आपको ये पेट्रोल का वाल ऑन करना है। फिर यहाँ पे एक स्विच है ऑन ऑफ की, रेड कलर की, पहले रेड कलर की स्विच हम ऑन करेंगे। पेट्रोल का वाल ऑन है, चौक हमने दिया हुआ है, और अभी हम इंजन ऑयल देख लिया, सामान के साथ ये पंप को लगा दिया है, हाइड्रोलिक ऑयल भी चेक कर लिया, अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पेट्रोल वाल ओपन ही रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं? पेट्रोल वाल ओपन रहने से ओवर हो जाता है ना पेट्रोल, वो ऐसे ऐसे घूमते फिर पेट्रोल ओवर हो जाता है उसमें, तो फिर चालू होता नहीं। आपने देखा ये जो पावर पैक से हमने जो काम किया वो कितनी स्पीड से हुआ, अभी हम काम करेंगे मैनुअल पंप से तो कितना देर लगता है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा पंप जितना मारेगा उस हिसाब से काम होगा, जबकि ये जो है ये पेट्रोल के पावर से चलता है। तो अभी आप देख पा रहे हैं, जैसे कि हम अभी हमारे पास इतना कैपेसिटी है कि हम एक साथ तीन रेस्क्यू इक्विपमेंट चला सकते हैं, एक और यहाँ पे दो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो हाइड्रोलिक रैम और ये सब चीज आएगी, और एक हमारा जो पंप रिपेयरिंग में गया वो भी हो जाएगा, तो हमारे पास और एक होज भी है, आप देख पा रहे हैं। तो हम एक साथ कितने इक्विपमेंट चला पाएंगे भाई? चार, ठीक है। तो कभी भी कोई भी रेस्क्यू हो गया तो आपको याद रखना है अपने पास इतनी फैसिलिटी है कि हम एक साथ चार हाइड्रोलिक इक्विपमेंट चला सकते हैं, ठीक है। घड़ी घड़ी बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये जो है ये ऑपरेशन की, उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे कि हमारे भी एक दो रेस्क्यू ऑपरेशन थे, उसमें स्पीड में थोड़ा फर्क पड़ा, इसका कारण है ये हमारे पास तब अवेलेबल था नहीं इसके लिए।
तो अभी हम स्पीड से कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, आपको बशर्ते पता होना चाहिए हमारा पंप कैसे चलता है, पेट्रोल इंजन सब चेक करके फिर इसको चालू। हम थोड़ा सा एक छोटा सा रेस्क्यू इक्विपमेंट रेस्क्यू सिमुलेशन करेंगे। हम ऐसा मान रहे हैं कि ये जो ब्लू ड्रम है वो एक ड्राइवर है जो कि फंस गया, और ये पूरी साइड है, ड्राइवर साइड पूरी है वो कोलैप्स हो चुकी है, चिपक गई है उस तरह। तो हमको अभी ड्राइवर साइड में कोई एक्सेसिबल पॉइंट नहीं है, तो हम अभी क्लीनर साइड जो है क्लीनर साइड में से ड्राइवर या मतलब ये डब्बे को बाहर निकालेंगे, क्लीनर साइड को पूरी काट के। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे हमारे पास जो हाइड्रोलिक जो है कॉम्बी टूल और हाइड्रोलिक कटर जो कि नया आया है, जो आज ही रिसीव हुआ है, और हाइड्रोलिक पावर बैंक विथ टू नंबर्स ऑफ होज, मतलब एक साथ हम दो इक्विपमेंट इस्तेमाल कर सके, ऐसा हमारे पास हाइड्रोलिक ऑयल पंप आ चुका है, आज ही आया है। तो उसका टेस्टिंग प्लस ये ट्रेनिंग के लिए आज अभी हम देख रहे हैं। अभी हमने सिमुलेशन स्टार्ट कर दिया है, हमने रेस्क्यू टीम को बोल दिया है और रेस्क्यू टीम ऑन द वे है, अपना जो सामान है वो लेके आ रही है। तो रेस्क्यू टीम आ रही है, देखिए आप देख पा रहे हैं, एक जो है वो स्प्रेडर कटर कॉम्बी टूल है और एक जो है इसको बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं 5040i। और ये जो है ये हमारा ऊपर से काट ले आधा, ओके डेनिस स्टार्ट करो। वेरी गुड शाबाश, स्पीड 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 शाबाश, थोड़ा इस तरफ आगे आ जा, थोड़ा साइड में आ जा, तेरा हाथ दूर पड़ रहा है तो, हाँ थोड़ा और आगे जाने दे और ब्लेड को, ताकि हाँ हाथ से थोड़ा खींच ले, इस तरफ कर ले, तू रख दे अभी, तू रख दे उसको, थोड़ा मदद कर उसको, थोड़ा उधर वो करने की, थोड़ा वजन है और मैं ऊपर शाबाश, हाँ कटेगा नहीं कट रहा वो डबल हो गया, वो नीचे लो हाँ कट रहा, उसको थोड़ा ऐसे अभी उसको पकड़ के इस तरफ खींच लो, ऐसे पहले पकड़ लो, हाँ फिर ऐसे पूरा जैसे हम खींचते हैं ना वो, हाँ केले की छिलका निकालते वैसे, वेरी गुड शाबाश वेरी गुड हाँ बस अभी और थोड़ा इधर से काट लो इसको, ऐसे उल्टा टेढ़ा मेढ़ा करके अभी ऊपर से मारो काटने के लिए, ऐसे ऊपर खातर ऊपर ऐसे खातर मारी दो ना, हाँ खत्म शाबाश, मारो खातर खोलो पहले, हाँ मारो खातर, अरे भाई तुम इसका थोड़ा बटन के, हाँ वेरी गुड, और नीचे हाथ बात नहीं आना चाहिए बीच में, देखो जरा वेरी गुड, सेफ्टी से काम करेंगे पूरे पूरा, इब्राहिम कट देखना वहाँ पे कहाँ तक आ गया, हाँ वेरी गुड, चलो अभी निकाल लो, अभी आदमी को निकाल लो दोनों मिला के, हाँ कहीं वो लूज एंड नहीं होना चाहिए, आदमी को लगना नहीं चाहिए, आराम से धीरे धीरे तुमको भी लगना नहीं चाहिए, अरे वाह वाह, चलो बंद कर लो,
ओके साथी ने, ठीक है, एक जगह से पूरा ये हो गया था, तो ये आप देख सकते हैं पहले कैसा था और यहाँ पे अभी सी बना के हमने निकाल दिया, कुछ तीन या चार चार एक मिनट जितने टाइम लगा। तो अभी जब हमारे पास ये पंप आ चुका है तो अभी हमारा जो रेस्क्यू का टाइमिंग है वो कम हो जाना चाहिए। पंप हमारे पास जो मेन इश्यू था पंप का, जो हमको हैंड पंप करना पड़ रहा था, वो नहीं करना पड़ेगा। आपके पास पंप है, आप पंप से होज भी जो है वो पंप के साथ आए हुए हैं, दो होज आए हुए हैं, तो एक साथ आप दो काम कर सकते हो इससे, और तीसरा जो अगर चलाना है तो हैंड पंप से, तो एक साथ तीन रेस्क्यू इक्विपमेंट हम चला सकते हैं। धन्यवाद, आभार। चलो।